हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे? तो बहुत ने मतलब मैसेज किया मेरे को, बहुत लोगों ने पूछा कि बताइए अपनी पूरी स्टोरी, बताइए कि आपके एक्सीडेंट कैसे हुआ, है ना। तो मैं सबको आज अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ, क्या क्या हुआ उस दौरान और अब कैसा है। तो वो दिन था 10 नवंबर 2022, लास्ट ईयर। सुबह के 10:25 बज रहे, मतलब 10:25 AM हो रहे थे उस टाइम, और मैं रेड लाइट पे खड़ा था। एक बंदा ऑटो वाला राइट हैंड साइड से लाइट तोड़ के आता है, और जो उसका ऑटो की बैक साइड होती है वो मेरे बाइक के अगले टायर से टच हो जाती है, जिससे मैं अनबैलेंस हो जाता हूँ। बाइक एक साइड गिर जाती है, मैं एक साइड गिर जाता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं गिरता हूँ, वैसे ही जो इस लाइट पर मैं खड़ा था वो लाइट ग्रीन हो जाती है, और पीछे ट्रक आ रहा था वो मेरे दोनों हाथों पर चढ़ जाता है। तो वो जो ट्रक वाला था उसने ट्रक वहीं बीच में खड़ा किया और वो भाग गया वहाँ से। कोई हेल्प नहीं की, कुछ नहीं, बस उसने देखा कि गलती होगी मेरी, क्योंकि ट्रक पीछे था, बहुत पीछे था, मतलब 5-6 फीट पीछे था। उसने ब्रेक ही नहीं मारी, उसने बिना देखे ही चढ़ा दिया ऊपर, है ना। तो उसने देखा जब मेरी गलती है तो भाग गया वहाँ से, बीच में ट्रक खड़ा करे। वहीं पे एक लड़का भी था, एक टर्बन बॉय, मतलब सरदार लड़का था, प्लस टू में पढ़ता था। उसने पूरा इंसिडेंट देखा था, मतलब गाड़ी में था वो, उसने पूरा इंसिडेंट देखा था। तो सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है। मैं होश में ही होता हूँ। एक लात जो राइट हैंड साइड वाली लात होती है वो ऑन द स्पॉट कट गई होती है, है ना, और लेफ्ट वाली लेग जो होती है क्रश हो गई होती है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो, ऐसा बोला मैंने लोगों को, है ना। तो किसी ने मेरी हेल्प नहीं की वहाँ पे, मतलब 2-2.5 घंटे तक किसी ने हेल्प नहीं की। तो वो जो लड़का था ना, सरदार लड़का, उसने सारा मतलब, क्योंकि जाम बहुत लग गया, ट्रक बीचों बीच खड़ा था और पब्लिक भी बहुत इकट्ठी हो गई थी, पब्लिक बस लाइव 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 ना फोटोज खींच रहे, लाइव जा रहे बस। फिर उसी लड़के ने मेरे को उठाया वहाँ से ना अराउंड, मतलब वो सारा जाम जूम क्लियर करके आगे ले आया मेरे को, और अराउंड मतलब 12:30 हो गया था, मतलब है ना 12:30 PM हो गए थे उस टाइम पे, है ना। तो तब मेरे को उसने उठाया और अपनी गाड़ी में बैक सीट में डाला, और मेरे को फोर्टिस हॉस्पिटल ले गया वो, क्योंकि नियरेस्ट वही हॉस्पिटल था मोहाली में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सेक्टर 79 एयरपोर्ट रोड पे। तो फोर्टिस ले गया, फोर्टिस में मैंने अपने पापा का नंबर वगैरह दिया मैंने, है ना। तो फिर उन्होंने पापा को कॉल की कि बोले इसकी बहुत क्रिटिकल है, मतलब बहुत क्रिटिकल केस है और इसकी डेथ होने वाली है, मतलब 15-20 मिनट सर्वाइव करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत है और हम इसका ब्लड ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं और हम इसको सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। फिर उसी लड़के ने फिर से पापा को कॉल की कि अंकल इसको सिविल हॉस्पिटल नहीं, मैं PGI लेके जा रहा हूँ। तो फोर्टिस वाले ने कोई फर्स्ट एड वगैरह कुछ नहीं दी थी, है ना, कोई पेन किलर नहीं, नथिंग। फिर एक NGO की एम्बुलेंस थी, वो मेरे को आप PGI ले गई, और वो लड़का भी अपनी गाड़ी लेके साथ आ गया। तो अराउंड 2:30 में PGI पहुँचा, और जैसे PGI पहुँचा मतलब वैसे ही मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो इसी बीच में जैसे मेरे को लग रहा था कि जैसे एक लेग बच जाएगी, तो मैं रॉड्स वगैरह भी मतलब मैंने खुद ही ऑर्डर कर दी, पेमेंट खुद ही कर दी मैंने ना, क्योंकि मैं उस टाइम होश में था, पूरी होश में था मैं। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने फिर रात को, वैसे टाइम कटता गया कटता गया कट गया, रात को 10 बजे मेरे घर वाले पहुँचे चंडीगढ़, क्योंकि मेरा पालनपुर चंडीगढ़ के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब गैप है। तो रात को 10 बजे मेरे घर वाले पहुँचे, तो उस टाइम उन्होंने बोला कि हमें तो लग रहा था कि पहले इसकी एक लात बच जाएगी, फिर इसकी दोनों लातें काटने पड़ेंगे क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, है ना। तो और उस टाइम तक उन्होंने मेरे को 8 यूनिट्स ब्लड चढ़ा दिया था, है ना। तो और अगर बोला जब ये आया था तब तो बिल्कुल एक्टिव था, है ना, बात कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, है ना। बट अब जो इसकी कंडीशन है, तो मतलब ऑपरेशन करते करते भी इसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि इसके ऑर्गन्स काम करना बंद करें धीरे धीरे। और अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो मतलब टिल लाइफ ये कोमा में ही रहेगा, है ना, अगर सक्सेसफुल हो गया तो भी। बट मैंने जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे को सर्वाइव करना है, जैसे मर्जी करना है। तो रात को 10 बजे 9:30 बजे की 10 बजे करीब मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ,
अराउंड 4 फुट 5 मेरा ऑपरेशन ख़त्म हुआ सुबह। फिर मेरे को आईसीयू ले गए, तो अराउंड 6 o'clock मेरे मम्मी पापा बाहर बैठे थे। तो मम्मा ने पापा को बोला कि मैं दिखाती हूँ उसको। तो पापा ने बोला क्या देख के आएगी, मतलब है ना डॉक्टर्स ने बोला तो है मतलब कि भी आई मतलब कोमा में रहेगा टिल लाइफ, बट जब भी मम्मी तो मम्मी होती है ना यार, है ना। तो मम्मा मदर जब आईसीयू में देखने आए मेरे को, तब मैं मतलब होश में आ गया था बाय गॉड ग्रेस, मतलब भगवान की कृपा से, भोले शंकर की कृपा से मेरे को होश आ गया था। और मम्मी दौड़ के गई पापा के पास कि होश आ गया उसको, जल्दी चलो। तो वैसे ही मतलब मेरे घर वाले आए, मेरे घर वाले देखते कि नहीं इसको होश आ गया, डॉक्टर्स भी देखते हैं, नर्सेज भी देखते इसको होश कैसे आ गया, मतलब है ना इतना ब्लड लॉस हो गया, सब कुछ हो गया है ना, इसको होश आ गया। तो मतलब मैंने मतलब हिम्मत नहीं आ रही थी ना इसी वजह से, और ब्रेन को मैंने मैसेज दे दिए थे कि मुझे सर्वाइव करना है, इस वजह से मतलब मैं होश आ गया मेरे को। और फिर मैं ट्रीटमेंट चला 2-3 महीने, मेरे PGI में ट्रीटमेंट चला, वहीं पर एडमिट रहा मैं। फिर वैसे टाइम कटता गया कटता गया कटता गया, और मेरी रिकवरी होती गई होती गई होती गई। अराउंड 62 to 63 units मेरे को ब्लड की चढ़ी, क्योंकि ब्लड लॉस पूरा था, प्लेटलेट्स प्लाज्मा सब न्यू, एवरीथिंग वर्क, मतलब पूरी बॉडी में ये सब कुछ न्यू चढ़ा है ना। तो बस वैसे वैसे अब घर आ गया उसके बाद, अब है ना, और अब आगे आप देख ही रहे हो है ना, आप एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा हूँ, और ज़िंदगी जी रहा हूँ अपनी मज़े से है ना, पॉजिटिव रहता हूँ। और सभी को ये बोलता हूँ, बस इतना मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आप रोड एक्सीडेंट देखें तो प्लीज़ प्लीज़, अगर आप कुछ भी ना कर सकें तो प्लीज़ एम्बुलेंस को फ़ोन कर दीजिए है ना, और एम्बुलेंस को बुला, मतलब एम्बुलेंस बुला दो उस इंसान के पास है ना, कि उसको उठा के हॉस्पिटल तो ले जाए, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ सकते तो प्लीज़ मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ऐसा कभी भी आप इंसिडेंट देखें तो आप प्लीज़ लोगों की हेल्प करें उनकी, और एम्बुलेंस को कॉल करें। अगर आप खुद भी मतलब हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं तो प्लीज़ छोड़ें, थैंक यू। और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मेरे मेरे को, मेरे यूट्यूब चैनल को भी मतलब ग्रो करते रहना। और थैंक यू, आप सभी वैसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो मेरे को, थैंक यू।